फाइनल हो चुका है भाई, अपनी H2 आ रही है 3 दिन बाद। तो अभी का सीन है ना, जगह जगह टहल रहे नेटवर्क पकड़ने के लिए। ये वॉकी टॉकी में अनाउंसमेंट कर दी थी, मैं गायब हो गया हूँ। मैंने सुना आप मेरे को ढूंढ रहे थे। ढूंढ रहे थे कहाँ गायब हो गया। ओ भाई, फ्लैग ऑफ। मैप बने हुए हैं रोड के ऊपर, तो हमने देख देख के जाना है। ओहो, अभी पीछे भी ऐसी बहुत सारी जगह आई थी, कमल ही कमल उगे हुए। 30 की स्पीड पर रात को चल रही है बाइक। हम लोग दिल्ली से ले रहे हैं डिलीवरी, ले कहाँ से रहे हैं। इस चक्कर में ज्यादा हो जाएगा। ये ना हो वहाँ से उछाले और एक एक पीस हमारे मुंह में आए अपने आप। फाइनली जो हमने दुबई से बंदा बुलाए थे, नहीं यूएसए से, सॉरी, वो रेडी हो गया। दिस इज अ स्पेशल मटर फ्राई, पूरा इंडिया में नहीं मिलेगा, अगर मिल गया से मैं नाक काट। कांचनजंगा स्पेशल मटर, मजा मजा है ना। सुबह के 11:30 और अभी तक हमारी वीडियो एडिट नहीं हुई है। चलो भाई, एडिटिंग पार्ट डन। और इसको उठाना बहुत मुश्किल है। उठ जा भाई, ये देखो जैसी कैमरा है ना, ये चाय लेके खड़ा। अभी तूने चाय पूछा, क्या कहता? ले चाय पकड़, पिएगा तभी नींद खुलेगी। आज बाइक चलानी है बहुत लंबी। Cheers। सुबह सुबह बोट में बैठ के चाय पी रहे और बाहर दूर तक पानी। बिस्किट नहीं है आपके पास? नहीं है। कोई बात नहीं है, अभी चल जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह भाई पनीर के पकौड़े। तो अभी बड़े ध्यान से हम देख रहे थे ये क्या चीज तैर रही है बीच में, क्या है ये? तो भाई बाहर का कुछ ऐसा है नजारा, मौसम बारिश वाला बना हुआ है और यहाँ का नजारा कुछ ऐसा है। सामान ट्रांसफर कर रहे हैं, आधा सामान यहाँ पड़ा है, आधा वहाँ पड़ा, सारा पैनियर में डालेंगे, बाइक पे लगाएंगे और आज हम जाएंगे माजुली। और माजुली में सबसे मशहूर चीज़ क्या है ना, वहाँ पर मुकुट बनते हैं, मुकुट जो इंसान पहनते हैं और वो मुकुट बोलते भी हैं। वहाँ पहुँचेंगे ना, आपको अच्छे से दिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन चीज़। और माजुली के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जो रिवर पर बना हुआ है लार्जेस्ट। अगर आप सर्च करोगे माजुली के बारे में आपको पता लग जाएगा। ये शुक्र है आज हमारी बाइक सही खड़ी हुई है। तो अभी का सीन है ना, जगह जगह टहल रहे नेटवर्क पकड़ने के लिए। कहीं जगह बढ़िया नेटवर्क आते, कहीं जगह बिल्कुल भी नहीं आते। तो स्टेयर्स चढ़ के बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ, शायद यहाँ नेटवर्क आए और हमारी वीडियो अपलोड हो जाए। तो एग्जैक्ट ये वाला पोल देख रहे हो, यहाँ खड़े होकर मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। और ये भाई लोग कहाँ से आए हो? डिब्रूगढ़ से। और मैं ना उधर मुंह करके कम से कम 1.5 घंटे से खड़ा हुआ था, बिकॉज वो दिखा रहा था 2-3 घंटे में वीडियो अपलोड होगी। मैंने फोन को बिल्कुल छेड़ा नहीं, चुपचाप मैं खड़ा हुआ था। और ये 3 घंटे से ना मेरे को यहाँ वहाँ नीचे ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये ऊपर आया ना और मैंने मुंडी इधर करी, इन्होंने पकड़ लिया कि भाई यही है। बाय बाय सबको, फिर मिलते हैं। तो एक दो बारी तो मैंने नीचे देखा था, मुझे पता लग गया था मुझे ढूंढ रहे, लेकिन मैं अपना फोन वहाँ से हिला नहीं सकता था, वहाँ से मैं कहीं जा नहीं सकता था, बिकॉज वीडियो अपलोड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। नेटवर्क नीचे बिल्कुल भी नहीं है। घूम घूम के मैंने वो वाली लोकेशन ढूंढी, वहाँ पर एकदम 4G आ रहा था। स्पीड तो नहीं थी, लेकिन हाँ 4G लिखा आ रहा था, स्पीड स्लो थी। यही मैं दिल्ली में अपलोड करता हूँ ना फोन से, मुश्किल से 4GB की फाइल 5 से 10 मिनट में हो जाती है, 1.5 घंटे में हमारी वीडियो अपलोड हुई है। ये वॉकी टॉकी में अनाउंसमेंट कर दी थी, मैं गायब हो गया हूँ। कौन ढूंढ रहा था, किसने बोला? ऑनर ने बोला। यहाँ के जो ऑनर है ना, वो भी मेरे को पिछले 1.5 घंटे से ढूंढ रहे थे। बंदा गया तो गया का, सब ढूंढ रहे थे, मैं आराम से ऊपर खड़ा हुआ था, अपनी वीडियो अपलोड कर रहा था। सबको गुड मॉर्निंग भाई लोग। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह चाउमीन और फ्रेंच फ्राइज दिख रहे हैं। कितने सही लग रहे हैं ना, सुबह सुबह ये लोग भी घूमने आए हैं, ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। मैंने सुना आप मेरे को ढूंढ रहे थे। और ये तो भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ पानी में ढूंढ रहे थे। सब ढूंढना पड़ेगा ना, सब जगह में जमीन और पानी 3 जगह पे ढूंढ रहे हैं। चेयर्स भाई, चेयर्स। आज की राइड के नाम जो कि शुरू होके नहीं हो रही। तो अभी थोड़ी सी उम्मीद लग रही है धूप निकलने की, निकल जाएगी तो बढ़िया है, नहीं निकलेगी तो रेन सूट पहन लेंगे। पंखे का स्विच बंद और इस रूम में भी हमारा सामान पड़ता, सारा चेक कर लिया, सब निकाल लिया। और ये देखो हमने अपने हेलमेट का ना सेटअप चेंज कर दिया है, माइक अडैप्टर लगा दिया है। अगर आज भी दिक्कत आएगी ना तो समझ लो इस राइड में ही कोई दिक्कत है भाई।
बहुत बार इसको चेंज कर लिया, अभी पूरा सेटअप चेंज करा। देखो डक टेप, हेलमेट भले गंदा लगे लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए अच्छी। सब रेडी है भाई, हम भी एकदम रेडी है राइडिंग गेट के साथ। बस 5 मिनट और लगेंगे तो अपनी बाइक को स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। वार्म अप भी तो जरूरी है, इसका इतना बड़ा इंजन लेके घूम रहे हैं। ट्रक स्टार्ट हो गया। जैकेट की चेन तो बंद करना ही भूल गए, अब सही है। तो सीन ये है ना भाई, बस गोप्रो में अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए। बाइक हमारी गर्म हो चुकी है, वो सब बंदे खड़े हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, बस निकलते निकलते फ़ोटो क्लिक कराएंगे और गायब हो जाएंगे। ओ भाई, फ्लैग ऑफ, कैसे डिचैक, ये बढ़िया। यो ओ भाई मेरे, वाह, ओके बाबाए सबको बाबाए, सही है। एक लोकेशन पे हम एक दो दिन रुकते हैं ना, फिर वहाँ से जाते हैं, बड़ा वैसा सा होता है कि यार कितना मज़ा आ रहा था यहाँ पर, लेकिन ठीक है, एक लोकेशन से निकलेंगे तभी तो दूसरी पे पहुँचेंगे। और अभी मैं क्या करूँगा ना, 10-15 किलोमीटर बाइक चला के एक बारी गोप्रो उतार के आवाज़ चेक कर लूँगा, सही हो रही है नहीं हो रही रिकॉर्ड। हर बार ऐसा सोचता हूँ लेकिन चलते चलते टाइम ही नहीं मिलता, रस्ते में रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर निकल जाते हैं, रूम पर जाके चेक करते हैं। ओहो भाई, आवाज़ का सत्यानाश हो गया। क्या सही सी रोड लग रही है ना, वहाँ से वो पुल जा रहा है और यहाँ पूरी ग्रीनरी नहीं है भाई, पानी है, मतलब दिख रहा है घासें उगी हुई अंदर, काई वाई सब कुछ है। अंदर जाओगे तो गए। ओके ओ हॉर्सी, छोटा सा घोड़ा है, खच्चर है, मुझे नहीं पता, लग तो घोड़े जैसे ही रहा है। हाँ ये घोड़े ही होंगे भाई, खच्चरों का यहाँ पर कोई काम तो है नहीं, कोई ऐसे पहाड़ तो है नहीं, पहाड़ों पर खच्चर ज़्यादा होते हैं, सामान ऊपर नीचे लेके जाना है। ये देखो सेम ऐसे हमने वाइट शिलोंग में देखे थे ना, लद्दाख की पूगा वैली आ गई, वहाँ भी ऐसी घास उगी होती है ना, थोड़ा स्टाइल अलग होता है लेकिन देखने में लग रही है ना पूगा वैली जैसी। पूगा वैली है या फूगा वैली है, दोनों में से एक है, आई थिंक फूगा है। जब पहले दिन इस ब्रिज पे आए थे ना, हम भी ऐसे ही खड़े थे नीचे बोट को देख रहे थे, फिर 2 दिन हम बोट में रहे, घूमे फिरे, आज फिर वहीं आ गए। तो वक्त का भरोसा नहीं होता, क्या पता जहाँ से निकले हो वहीं आ जाओ या आगे बढ़ जाओ। तो लाइफ में ना भाई हमेशा ध्यान रख के चलना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अभी अपने साथ एक गाड़ी भी होगी स्कॉर्पियो जो पीछे पीछे आ रही है, अंकित चला रहा है, तो इन्होंने तो अपना सामान उसमें रख दिया लेकिन मैंने पैनियर बाइक में लगाया है। मेरे को ना थोड़ी वो हैवी वाली लुक चाहिए होती है, और पैनियर लगा के ना मेरे को लगता है बाइक और कंफर्टेबल और जम के चलती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये देखो एक चीज़ दिखाऊँ, ये मोबाइल के कैमरे से ही दिखेगी, देख रहे हो पानी के बीच में कैसे से रोशनी पड़ रही है, ऊपर से थोड़े बादल खुले हैं, सूर्य देवता की रोशनी वहाँ से नीचे आ रही है, दूर से देखने में बहुत सही लग रहा है। जब तक मैंने मोबाइल से वीडियो बनाई रोशनी नीचे पड़ रही थी, वीडियो बंद करके मोबाइल यहाँ लगाया एकदम से गायब हो गई। नक्शे बने हुए हैं भाई, मैप होते ना, मैप बने हुए हैं रोड के ऊपर, तो हमने देख देख के जाना है। इस रोड पे ऐसे ऐसे खड्डे हैं ना, उनको खड्डे नहीं कुएं बोल सकते हैं, बिकॉज आधे टाइम भी हम यहीं से आए थे। ये देखो जगह ढूंढनी पड़ती है कि जाया कहाँ से जाए। सबको गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके लेके जानी पड़ती है। ओ हो, एक चीज़ और बताऊँ, माजुली जाने के भी ना 2 रास्ते हैं, एक तो वाया एक ब्रिज है उसके ऊपर से जा सकते हैं, और एक है बाय शिप, शिप के ऊपर आपकी बाइक रखी जाएगी और वो आपको माजुली पहुँचाएगी। तो हम दोनों कवर करेंगे, जाएंगे रोड से शिप के ऊपर बाइक रख के वापसी निकलेंगे बाहर माजुली। माजुली एक आइलैंड है बहुत ही बड़ा। गायें बहुत सारी है यहाँ पर, बहुत सारी। अभी दिल्ली में तो क्या ना, गाय बिल्कुल दिखनी बंद हो गई, लेकिन यहाँ पर तो भाई हर मोड़ पे देखो ये खड़ी, बहुत सारी गायें हैं, लेकिन अच्छा भी है। जहां तक नजर जा रही है ग्रीन ही ग्रीन, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। वो देख रहे हो सामने पानी में कमल उगा हुआ है, अभी पीछे भी ऐसी बहुत सारी जगह आई थी कमल ही कमल उगे हुए थे, अभी यहाँ तो पानी दिख रहा है ना, वो देखो वहां भी कमल उग रहे हैं छोटे छोटे, अभी यहाँ तो पानी दिख रहा है, ऐसी पीछे बहुत सारी जगह आई थी बिल्कुल काई जमी हुई थी।
देखो यहाँ के बंदों के लिए तो ये चीजें आम है, लेकिन अपने लिए कुछ नया होता है ना, कुछ अलग सा दिख रहा होता है। और जितने बंदे यहाँ के वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, जितने बंदे बाहर से वीडियो देख रहे हैं उनको लग रहा हो हाँ भाई क्या ही चीज है, कमल अच्छे लग रहे थे। सो वी आर इन देमा जी, यहाँ तक हमें वापसी आना था आई थिंक 30 किलोमीटर होगा जहाँ पर हम थे वहाँ से, और आए हम लेफ्ट से थे, अभी हम राइट को जाएंगे। रोको रोको रोको, तो ये भाई करीबन 2-3 किलोमीटर से पीछा कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं पता था क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइबर है नहीं है, फिर कहते हैं हमें लगा आप रुकोगे, फोटो फोटो फोटो, हमें लगा यहीं रुक के ले लो भाई कोई बात नहीं। कैसे हो, ठीक हो? बढ़िया, यहीं से हो? कहाँ से? देमा जी, देमा जी से। लो भाई बस यही रह गया था, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है, हल्की सी भी तेज होगी ना गोप्रो उतार के बैग में डालूंगा, रिस्क नहीं लूंगा भाई। इतनी बारी सेटअप चेंज कर चुका हूँ, तो मीडिया मोड खराब चुका हूँ, अब ये लास्ट माइक अडैप्टर बचा हुआ, अगर ये भी खराब हो गया ना फिर खत्म है काम। और ये भी मैं घर से लेकर आया था, जब बीच में दिल्ली गया था ना बाय एयर, वहां से मैं लेकर आया हूँ। नॉर्मल पुल बनाने बहुत आसान होते हैं, ये जो पानी के अंदर बनाना पड़ता है ना भाई, कितनी मेहनत लगती होगी, कैसे अंदर जाते होंगे, क्या मशीनरी लगती होगी बनाते होंगे। देखने में हमें तो इजी लगता है, अरे भाई पुल बन गया मजा आ रहा है फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बनाया होगा सच में उनको दिल से सल्यूट है भाई, कितनी मेहनत करके कितनी सही चीज बनाई है। तो यहाँ रुकते हैं, विकास थोड़ा पीछे रह गया। बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे दिल और दिमाग में ना कभी कभी एक चीज़ आती है, जैसे ये बीच में घर बने होते हैं, ये देखो अभी ये नया घर बन रहा है, तो ये क्या करते होंगे यार, कहाँ जाते होंगे काम करने के लिए, यहाँ कैसे रहते होंगे। देखो एक दो दिन के लिए रहना आपको, एक हफ्ते के लिए रहना तो आप रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको परमानेंट यहाँ पर रहना तो दिक्कत होती होगी ना, या आदत हो जाती होगी कि हाँ जैसे हमें दिल्ली गुड़गांव भीड़ भाड़ में रहने की आदत है, तो हम ज़्यादा यहाँ ट्रैवल करते हैं ना, खाली खाली रोड दिखती है हमें अजीब लगने लग जाता है, तो इनको यहाँ रहना पसंद होगा, भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं होगा मे बी। ओह शुक्र है माजुली लिखा आया 37 किलोमीटर। यहाँ के बोर्ड थोड़े मतलब ऐसा है कि बारिश होती रहती है, गीले होकर ख़राब हुए हैं, ये बोर्ड ही ऐसे हैं। और टाइम 5:50। थगवा खाना, ओके थगवा खाना, और यहाँ से अपने को होना है राइट माजुली के लिए। ओके एक भाई साहब अपनी गाड़ी रोड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी करके गए हैं, देखो लेफ्ट साइड में 0628, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ओके ओके ओके, वेलकम टू माजुली, पहुंच गए 37 किलोमीटर, हमने आधे घंटे में कवर करा, जो बाइक भगाई मज़ा आ गया भाई, कसम से कह रहा हूँ, रोड अच्छी थी ना, बाइक भगाने में भी मज़ा आया। असम टूरिज्म सही है भाई, असम को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम अच्छे से। तो अभी हम उस आइलैंड के अंदर ही हैं, वहीं बाइक चला रहे हैं, और जहाँ हमें जाना है ना वो दिखा रहा है 22 किलोमीटर 30 मिनट्स। अभी अपने को ना पानी की भी प्यास लग रही है, मेरे हाइड्रेशन बैग में पानी ख़त्म हो गया, आज सुबह मैं भरना भी भूल गया, और यहाँ पर जो बोतल पड़ी है ये भी खाली है। तो अपने को यहाँ से लेफ्ट होना है, और गायें देखो भाई कितनी सारी बैठी हुई हैं, गायें झुंड बना के। पहले पानी की बोतल देखो कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी, वेट, फ़ोन बाइक पर ही लगा ध्यान रखना, एक पानी की बोतल दिल्ली, थैंक यू। कभी कभार पानी की ऐसी प्यास लग रही होती है ना भाई, पी के ऐसी शांति मिलती है। मैंने बड़ी बोतल पानी ली थी, और जो खाली वाली थी वो हटा दी, और वो वाली मैंने यहाँ पर रख दी, ये बहुत सही चीज़ लगाई है मैंने, मतलब पैसे वसूल है पूरे के पूरे, मतलब देख लो विजन कितना क्लियर है, लाइट कितनी बढ़िया है, 130 की स्पीड पर रात को चल रही है बाइक। बस यहीं की लोकेशन है जो डाली हुई है ना हमने, 100 मीटर आगे। ओके बिल्कुल सही, क्या बात है, एग्जैक्ट लोकेशन पे लेकर आया है। बाइक कहाँ से जाएगी अंदर, यहाँ से। ओ भाई बच गया। अबे सीढ़ियाँ आ गए, उतार तो लेता चढ़ाता कैसे सीढ़ियाँ आ गए, जोश में ले जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे यूटर्न मारने की जगह भी नहीं है, सिर्फ इतनी पतली सी गली है, ना यूटर्न होगा फिर बाइक ऊपर लाने में भसड़ क्या फ़ायदा। तो भाई ये वाली स्टेयर्स थी जहाँ से मैं बाइक गलती से उतारने वाला था, उतार तो लेता। हाँ ये गली देखो, यूटर्न कहाँ से मारते, जगह ही नहीं है। हाँ यहाँ से यूटर्न हो सकता था शायद, और यहाँ से खेतों में भी जा सकती थी शायद
ढाई तीन घंटे की राइड के बाद हम पहुंच गए। आज बहुत मजा आया, बारिश हल्की फुल्की मिली लेकिन ज्यादा नहीं मिली। अभी रूम में चलते हैं, फिर आपको दोबारा मिलते हैं। जूते ऐसे ना ज्यादा स्टेयर्स भी नहीं चढ़ जाती, इसलिए हमने बोला फर्स्ट फ्लोर पे दे दो हमें रूम। लाइट देख रहे कितनी सही लग रही है। सो दिस इज आवर रूम। ओके सही है भाई। तो भाई सारा सामान फैला दिया था, एक मिनट पहले शीशे में देखो, सारा सामान फैला दिया था। अभी सारा सामान दोबारा पैक करें। इस रूम में एसी नहीं है, अपने को चाहिए एसी, गर्मी बहुत लगती है। सारा सामान चला गया, बस ये हेलमेट, लैपटॉप भी मैंने निकाल दिया था, जूते, बस ये तीनों चीज़ें लेके जानी है अपने नए वाले रूम में। तो ये है हमारा न्यू रूम। बस यहाँ पर ना लाइट वगैरह कम रहती है और इस ब्लू लाइट की वजह से ना सारा रूम नीला नीला सा नज़र आ रहा है। बाकी ठीक है, मेन एसी है, रूम तो वैसे का वैसे ही है। अभी क्या सीन है, थोड़ा फ्रेश होते हैं, मुंह मैंने धो लिया था, मेरा मन हो रहा नहा लूँ, नहा वहाँ के वीडियो एडिट करने बैठते हैं, डिनर करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपनी H2 की डिटेल, थोड़ी बहुत माजुली की डिटेल, मतलब थोड़ी बातें करेंगे, फिर उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। बस ध्यान रखना, दिल्ली से डिलीवरी हो रही है, सबने आना है। यार ये भी तो लाइट है, ये कहाँ से जलेगी? अब ये क्या है, इसको जाने देते हैं। तो मैं ये बता रहा था, तुम्हारा भाई नहा धो के एकदम रेडी हो चुका है। अभी मैंने गोप्रो चार्जिंग पे लगा दी, गोप्रो का डाटा चेक भी कर लिया, आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हुई है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं फट रही है, तो मेरे को माइक चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन खबर, पहले डिनर कर लें क्या? अरे अरे अरे, यहाँ तो पूरी महफिल जमा है भाई। छोटो को हेलो है, है? छोटो को हेलो। और कैसे हो भाई लोग, सब बढ़िया? चारों भाई लोग आए हैं। और भाई कैसे हो? बढ़िया। हिंदी में बात करेंगे ना? तो क्या बोलो, ओके ओके। मैंने अभी भाई को बोला हिंदी में बात करते हैं, भाई उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। मतलब भाई कुछ तो बोल, बोलेगा बोलेगा, ये नहीं वो वाला, ये जो ग्रीन टी शर्ट में है, ये तब से कुछ बोले। एक तो बात करने कैमरा ऑन कर रही हो, भाग गया उधर। तो अभी यार डिस्कशन क्या चल रहा है, जो कल के लिए हमें फेरी बुक करनी है ना, उसका टाइम वाइम देख रहे हैं, बिकॉज लास्ट फेरी चलती है 3 बजे, हमें पहले निकलना पड़ेगा। बाइक कितनी जगह घेरती है, कैसे चढ़ानी पड़ती है, वो सारा डिस्कशन चल रहा है, डिस्कशन के बाद मिलेंगे। सो दिस इज अवर डाइनिंग एरिया, यहाँ हम करेंगे डिनर। ये लाइट देखो कितनी बढ़िया, इतनी सारी क्यों लगा रहे हो? हाँ हो जाएगा उतने में भाई। लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। और बोलो छोटो को हेलो, और बोलो छोटो को हेलो। यार जो मेरे को सबसे बढ़िया लगा ना, ये पापड़ देखो कैसे गोल सा बनाया हुआ है। बाकी डिनर चालू है, डिनर के बाद मिलते हैं आपको। करण अर्जुन चल रही है भाई, यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी हम फेरी का प्लान कर रहे थे, प्लान क्या है, फेरी की टिकट बुक कर रहे थे। जो लास्ट फेरी है ना वो 3 बजे की होती है, तो कल हमें टाइम से निकलना पड़ेगा, टाइम से वीडियो एडिट करना पड़ेगा, टाइम से अपलोड लगाना पड़ेगा, तभी निकल पाएंगे टाइम से। सबसे मेन चीज, आज से 3 दिन बाद 15, 16 या 17, इन 3 दिनों में से एक दिन पे हम ले रहे हैं H2 की डिलीवरी। 3 दिन बाद समझ लो H2 की डिलीवरी होने वाली है। मैं बाय एयर जाऊं या बाइक लेके जाऊं, जैसे भी जाऊंगा, लेकिन मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। हम लोग दिल्ली से ले रहे हैं डिलीवरी, ले कहां से रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फाइनल हो चुका है भाई, अपनी H2 आ रही है 3 दिन बाद। H2 गेड़ी मारेगा उस पे, दिल्ली आना पड़ेगा उसके लिए, आ जाएगी। कसम से कह रहा हूँ, मेरे को मतलब आज ही ये डेट फाइनल हुई, तो मैंने सोचा आपको बताया। तो 15, 16, 17 में से 3 दिन में से एक में वैसे कोशिश है 15 को ले लेंगे, 15 को नहीं तो 16 को, 16 को नहीं तो 17 को फाइनल। तो बस ठीक है, दिल्ली वाले तैयार हो जाओ, छोटा सा मीटअप रखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़े बहुत बंदे आएंगे, डिलीवरी लेंगे और बाइक को अच्छे से निहारेंगे, फिर बाइक को अपने घर ले जाएंगे। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको मजा आएगा। यहाँ तक वीडियो देख ली, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़ा सा वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।